बसमिल टू आर डियर सिस्टर आई होप के आप सब ठीक होंगे एफ एन एस टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ विद आंसर बियोलॉजी फ़िज़िक्स कैमिट्री इंग्लिश सिक्सटी वन टू एटी पार्ट नंबर फ़ोर आज हमारा पार्ट नंबर फोर है तो इस पार्ट में सिक्सटी वन से लेकर एटी तक के एम सी क्यूज़ होंगे बियोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश के एम सी क्यूज़ इस पार्ट में शामिल होंगे विद आंसर के साथ और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं ये पिछले पास्ट कोर्स के एम सी क्यूज़ हैं पिछले कोर्स में जिन बहनों ने टेस्ट दिया था तो ये सारे के सारे वही एम सी क्यूज़ हैं जो उनके टेस्ट में आए थे तो ये विद आंसर के साथ एम सी क्यूज़ हैं इन एम सी क्यूज़ को अगर आप सब याद करेंगे तो आप 100 परसेंट अपने टेस्ट में आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं और लास्ट पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मेन्शन करूँगा यानी हमारे पास मुकम्मल ए टू जेड जितने पिछले कोर्स के एमसीक्यूज हैं वो भी अवेलेबल है तो आप लास्ट पर मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं उस पर कंटेक्ट कर सकते हैं और हमारा पेड सेशन भी है जिसमें हम डेली बेस पर क्वेश्चन भी समझाते हैं कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं टेस्ट भी लेते हैं लेक्चर सेंड करते हैं नोट्स प्रोवाइड करते हैं एक्सपीरियंस स्टूडेंट के पास पेपर इंटरव्यू प्रिपरेशन ए टू जेड ज्वाइनिंग लेटर तक हम प्रेपरेशन करवाते हैं तो आप उधर भी कंटेक्ट कर सकते हैं लास्ट में तो शुरू करते हैं आज का जो फर्स्ट वन हम सिक्यू से है क्वेश्चन नंबर वन ई और वी इज इक्वल टू आंसर बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आंसर फोर्टी सिक्सटी वन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री ए प्लांट विथ येलो सीड्स फर्टिलाइजर ए प्लांट्स विच डेवलपर एंड रेड कलर सीड्स द अब्सॉर्बिंग दिस प्रोड्यूस विच फॉलिंग ग्राउंड प्रोड्यूस यो ऑरेंज कलर्ड सीड्स द ऑफ स्प्रिंग शोविंग विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ डोमिन आंसर होगा एनकम्प्लीट तो ये स्टूडेंट के एम सी क्यूज़ हैं तो वहाँ से मैं एक केम सी क्यूज लिखता हूँ जिस तरह उन्होंने लिखा है तो लेकिन आपका काम जो है ना सिर्फ क्रेक्ट ऑप्शन के साथ हैं तो आपने टेस्ट पे इन्हें आपको ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी या फिर वन टू थ्री फोर तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पे आपने क्लिक करना होगा क्वेश्चन नंबर 64 ए पोली पेपलाइट चैन कंटेन 150 ए इज एनकोडेड बाय ए एम आर एन ए विद लेंथ ऑफ हु मेनी निकलोटाइट आंसर वन फोर्टी क्वेश्चन नंबर 65 इन द लाइफ साइकिल ऑफ विजिटो माई सिटीज बिलोंगिंग टू पंचाई Which of the following structure is monokaryotic? Answer: okay. Basidious Spore. Question number 66. Fungi spore produced at the top of Dash. Answer: Cornida. Question number 67. Which are the following words come first and dictionary? Answer: Adaptable. Question number 68. There are six male member in a committee of ट्वेंटी फोर वट इज़ परसेंटेज ऑफ फीमेल डैश आंसर होगा सेवेंटी फाइव परसेंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन डिफाइनेटली इज टू एबसोल्यूटली एंड टोटली इज टू डैश आंसर होगा एंटायरली क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्ड विल बी सेम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन इन मेरर आंसर एम वी टी डब्ल्यू टी वी एम तो इस तरह की आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे जो करेक्ट होगा उस पर आपने क्लिक करना है तो ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन से ऑफ प्रेजी इजी मॉन आंसर होगा अन जेनरली क्वेश्चन नंबर सेवनटी टू विच मॉल्स इनहेबिट डी डाई मोमेंट आंसर एच टू ओ क्वेश्चन नंबर सेवनटी थ्री फर्स्ट इज आंसर होगा एडजेक्टिव आपको नॉन भी दिया होगा एड वर भी दिया होगा प्रो नॉन भी दिया 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 होगा ठीक है तो जो करेक्ट होगा उस पर आपने क्लिक करना है एडजेक्टिव क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर एन ऑफ एम ओ आंसर डैमेज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव एन ऑफ Pre-saved answer misunderstand question number 76 the functional unit of Golgi complex is answer sister nigh. question number 76 the peak of high hist intensity in mass spectral answer best peak question number 78 what come next 1 x 2 double y 3 de, 3 triple any one one, pehle to 1 x 2 2 y थ्री थ्री जेड होना चाहिए तो आपका करेक्ट आंसर होगा जेड क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन ये वर्बल का क्वेश्चन था आई सू डैश गॉड टू फुलफिल माई ड्यूटीज आंसर होगा बाय क्वेश्चन नंबर एट ही आई फॉन्टेड इट ग्राउंड द स्पॉय विथ माई आंसर होगा पेस्टल तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे कुछ यही नहीं मैंने आप सबको बताया था कि बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश के एमसीक्यूज हर पार्ट में शामिल होंगे तो ये पास्ट एमसीक्यूज है इनको अगर आप याद करेंगे तो आप 100 परसेंट अपने टेस्ट में कामयाबी हासिल कर सकते हैं इन तो लास्ट में मैंने जैसे आप सबको बताया था शुरू में कि अपना व्हाट्सअप नंबर मैंशन करूँगा तो उस पर आपका कोई भी क्वेश्चन हो लाइक आपका मेडिकल के हवाले से क्वेश्चन हो टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन है या जो भी आपका क्वेश्चन हो एफ एन एस के बोर्ड या फिर जिस कोर्स में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चन कर सकते हैं हम आपको गाइड करेंगे टू जेड तो अगर नोट्स भी चाहिए या मुकम्मल ए टू जेड जो एम सिक्यूज़ पास्ट वो भी अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा सेशन ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम डेली बेस पर क्वेश्चन भी समझाते हैं इस वक्त हमारे साथ थ्री हंड्रेड फिफ्टी फीमेल प्रपरेशन कर रही है अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर कंटेक्ट कर सकते हैं और साथ साथ हम जी डी पी एल सी सी एफ एम है एफ एम टी की भी पर्परेशन करवाते हैं ये सिर्फ फीमेल कोर्स और साथ साथ हम बॉयज़ की जितने भी आर्मी फोर्स के कोर्सेज हैं उसकी भी प्रिपरेशन करवाते हैं अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर हैं या आपके क्लास फेलो हैं उनको भी आप हमारा नंबर दे सकते हैं ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और प्रिंटेस में कामयाबी हासिल करें और हमारा यूट्यूब चैनल भी उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको फॉलो करके अपने टेस्ट में कामयाबी हासिल करें इन तो इसके साथ साथ आपसे ये गुजारिश है कि जब भी आप सब अपना टेस्ट दे कर आए तो आप सब ने भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है और कैसे शेयर करना है आपने ये मेरा व्हाट्सअप नोट करना है व्हाट्सअप पे आपने अपने डिटेल के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है सबसे पहले अपने सेंटर नाम लिखना है डेट लिखना है कोर्स लिखना है और फिर जितने भी क्यूज़ आपको याद होंगे वर्बल के फिजिक्स के बायोलॉजी के केमिस्ट्री के इंग्लिश के तो आपने तरतीब वाइज एक ही मैसेज में सारा एक्सप्लेन एक्सपीरियंस एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करना है विद आंसर के साथ शेयर करें ताकि फिर वो एक्सपीरियंस बाकी फीमेल बाकी हमारी जो बहनें हैं जो टेस्ट दे रहे हैं उन तक हम पहुंचाएंगे ताकि वो अपने टेस्ट में कामयाबी हासिल करें बेहतरीन इंसान भी वो हैं जो अपने कामयाबी के साथ साथ दूसरे को कामयाब करें उम्मीद है कि आप सब एक दूसरे को जरूर कामयाब करेंगे और मैं भी आप सब के साथ भरपूर डेली बेस पे कोशिश करूँगा इन तो नेक्स्ट बार पे मिलते हैं तब तक अल्लाह हाफ़िज